क्या आप जानते हैं कि पांडवों में सबसे बलशाली भीम अपनी भूख के कारण एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। महर्षि व्यास के निर्देशानुसार भीम ने ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। इस व्रत को करने से सभी 24 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत 18 जून को मनाया जाएगा। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि 17 जून सुबह 4:43 पर शुरू होकर 18 जून सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि के अनुसार 18 जून 2024 को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और कुछ विशेष उपाय करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो आइए इस निर्जला एकादशी पर जाने इसके पीछे की पौराणिक कथा और इस दिन को विशेष बनाने के उपाय। निर्जला एकादशी हमारी ज्येष्ठ माह में आती है और ज्येष्ठ माह में इसको निर्जला और सबसे बड़ी एकादशी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सबसे ज्यादा गर्मी के टाइम में आती है और निर्जला है, इसका मतलब आप इसमें पानी भी नहीं पीते। इसको क्यों मनाया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो इसलिए हमारे वेद व्यास जी एंड पितामह ये हमारे पांडवों के घर पे गए थे। वहां पे एक समस्या थी कि भीम जी से एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता था, तो वेद व्यास ने उनको बताया था कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपकी जो 24 साल में आती हैं उन सब का लाइक एक में ही आपका काम हो जाएगा। एक में ही जितने आपको 24 में फायदे होंगे वो आपके एक में ही फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी के टाइम पे और निर्जला वैसे होती है, इसलिए इसको मनाया जाता है। उन्होंने वहां पे उसको रखा। ये आपकी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आपकी आती है, जैसे कि अभी हमारी आएगी 18 जून, इसलिए इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। इसकी जैसे हमारी जो एकादशी है निर्जला एकादशी, ये आपकी 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो पहले जो टाइम था लोग 3-3 दिन करते थे, अभी क्या है कि आपको 3 दिन से कुछ भी जो जरूरत की चीजें नहीं है, जैसे कि प्याज लहसुन आपका दारू हुआ या फिर मांस हुआ, इस टाइप का कोई भी भोजन सेवन नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि जिस दिन आपकी एकादशी है 18 को, उस दिन आपको फास्ट रखना है और निर्जला मतलब कि पानी का भी सेवन नहीं करना है, तो बाकी चीजें तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। पूजा के लिए क्या करना है आपको, आपको एक सरफेस लेना है, जो आपका पूजा स्थान है वहीं पे पीले रंग का आपको कपड़ा वहां पे बिछाना है। आप पीले रंग का वहां पे जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आप पीले लड्डू यूज कर सकते हैं। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप बेड पे ना लेटें, आप जमीन पे लेटें, आप चावल का इस्तेमाल ना करें, आप दूध का इस्तेमाल भी नहीं करें। विष्णु जी की पूजा करनी है आपको, नारायण जी की पूजा करनी है, कृष्ण जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका व्रत सफल पूर्वक रहेगा। देखिए सबसे पहली बात तो कि निर्जला है और सबसे बड़ी एकादशी और सब व्रतों में आपका सबसे बड़ा व्रत ये कहलाया जाता है, तो होना तो निर्जला ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं तो सुबह के टाइम पे आपने थोड़े से फल ले लिए और बीच में आपने थोड़े से चाय ले लिया, पानी ले लिया, इस तरीके से आप अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। हाँ, इसका समय है आपकी 17 तारीख से स्टार्ट होती है सुबह के 4:43 पे एंड 18 तारीख को ये समाप्त होगी 6:24 पे। इसी आपको अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है। भावना जी, ये जो एकादशी होती है निर्जला एकादशी, क्या ये साल में एक ही होती है या और भी इनके महत्व है, और भी एकादशी आती है ऐसे साल में? एकादशी आपकी 24 होती है पूरे साल में। निर्जला या फिर सबसे बड़ी एकादशी हमारी होती है जो ज्येष्ठ माह में आती है, जो कि इस माह में आपकी 18 तारीख को है। ये सब व्रतों में या फिर सब एकादशियों में सबसे ऊपर होती है, जो ये सबसे ज्यादा गर्मी के टाइम में होती है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। आप 24 एकादशी ना करें, इस वाले में करें तो आपका वहां पे सेम बेनिफिट आपको, सेम उसका यूज या फिर मैं कहूंगी वही आपके बेनिफिट आपको मिलता है। लोकल 18 के लिए पलवल से ज्योति खंडेलवाल की रिपोर्ट।